कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस। कहते हैं इस दिन सोने चांदी या किसी धातु के बर्तन खरीदने से होती है इसमें 13 गुना की बरकत। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको मिलेगा एक साथ धन के देवता कुबेर, धन की देवी लक्ष्मी और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि का आशीर्वाद। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से दीपावली की तैयारियां तेज हो जाती हैं। धनतेरस से ही पंचदिवसीय उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है जो भाई दूज के साथ खत्म होता है। इस दिन देव धन्वंतरि के अलावा देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की परंपरा है। साथ ही मृत्यु के देवता यमदेव का भी दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि अगर इस दिन यमदेव की पूजा विधि विधान से की जाए तो असमय मौत से बचा जा सकता है और अकाल मृत्यु से भी निजात मिल जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस का क्या है महत्व और आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इस बार यह शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से 6:20 तक का है। यह मुहूर्त 45 मिनट का है। इस दिन प्रदोष काल 5:35 से 8:11 तक है, यानी प्रदोष काल की अवधि 2:24 की है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल के दौरान करने से पूजा का सबसे ज्यादा फल मिलता है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर की शाम 4:15 से हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे करें पूजा। सबसे पहले 13 दीपक जलाकर कुबेर की पूजा करें और देव कुबेर का ध्यान करते हुए धन धान्य की बढ़ोतरी की प्रार्थना करें। इस पूजा के बाद धन्वंतरि पूजन करना भी जरूरी है। धन्वंतरि पूजन के साथ ओम धन धन्वंतरि नमः के मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। ऐसा करने से अच्छी सेहत की कामना पूरी होती है। इसके बाद धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर मृत्यु के देवता के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। इस दीप को जमदीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। लोक मान्यता है कि जिस तरह से देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार भगवान धन्वंतरि भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से प्रकट हुए थे। हालांकि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए इंसान को स्वास्थ्य और लंबी आयु की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाने की प्रथा है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही पैदा हुए थे। जब समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था जिसे पीकर देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ। भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। चूंकि धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। जमीन कार खरीदने निवेश करने और नए उद्योग की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। कारोबारियों के लिए इस दिन का खास महत्व होता है। इस दिन धनिये के बीज खरीदने का भी महत्व है। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में उगाते हैं। एक दूसरी लोक कथा के अनुसार यमदूत की पूजा करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। एक कहानी के मुताबिक एक राजकुमार और राजकुमारी में प्यार हो जाता है, लेकिन ज्योतिषी के अनुसार अगर उन दोनों का विवाह होता है तो राजकुमार का निधन हो जाएगा। इसके बावजूद राजकुमार और राजकुमारी विवाह कर लेते हैं। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचते हैं। यमदूत को देखकर राजकुमारी विलाप करने लगती है। यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि राजकुमार के प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए।
इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरी पूजा कर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने की परंपरा है। धनतेरस के दिन धन के साथ साथ सेहत की भी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही काल के देवता यमदूत को भी खुश करने का यही एक दिन है। तो सभी देवताओं की पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर अपनी हर मनोकामना पूरी करें। डीबी लाइफ की तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं।